Hello everyone, welcome back to our channel. So today I'm going to tell you how to do nail art with these products. So आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो 26th of January का रहेगा. आज हम कुछ यूनिक नेल आर्ट करने वाले हैं, तो आप देखिए. तो हम स्टार्ट करते हैं. सो प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस कराती हूँ मैं आपको. सो सबसे पहले जो है ये टेम्पल टॉप कोट है, तो आज मैं इसका यूज़ करना आपको सिखाऊंगी. और ये ऑरेंज शेड लिया है मैंने, और यहाँ मैं ले रही हूँ एक ब्लू शेड. और कुछ और भी शेड्स हैं जैसे हमारे तिरंगा में रहते हैं, जैसे ऑरेंज केसरिया कलर होता है, वाइट होता है, ब्लू होता है फॉर अशोक चक्र, और ग्रीन कलर होता है. तो मैं ये कुछ प्रोडक्ट्स ले रही हूँ, आप देख लीजिए. सो फ्रॉम एमी जेली वाली जेल पेंट्स है. तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कुछ टिप्स लेनी है जो कि ऑलरेडी मैंने रख ली है यहाँ पे, उनको फिक्स करके रखा है मैंने. और यहाँ पे मैं वाइट जेल पेंट का एप्लीकेशन कर रही हूँ. सो फर्स्ट लेयर विच इज़ वेरी थिन, एंड उसके बाद हम इसे क्योर कराएंगे. क्योर कराएंगे हम 30-60 सेकेंड्स ओनली. आफ्टर क्योरिंग जो है हम बाकी की टिप्स पे भी ऐसे ही करेंगे. तो सेकेंड लेयर विच इज़ ऑल्सो वेरी थिन, तो उसको भी हम जो है क्योर कराएंगे ना 60 सेकेंड्स के लिए. सो मेरा जो फर्स्ट नेल आर्ट है वो कुछ इस तरीके से रहेगा. तो मैंने पहले ऑरेंज कलर लिया है, वाइट, एंड बीच में जो है मैंने लिया है ब्लू फॉर अशोक चक्र लुक देना है उसमें, एंड वाइट एंड अगेन ग्रीन. उसके बाद जो है मैं इसको डिवाइड करूंगी कलर्स को. और जो मेरे ये सेकेंड टिप है इस पर मैंने ब्लॉसम जेल लगाया है, ब्लॉसम जेल का एप्लीकेशन विच इज़ ऑल्सो वेरी थिन. और उसके बाद मैं एक थोड़ा सा मार्बल लुक दूंगी इसमें, ताकि वो थोड़ा सा क्रिएटिव लगे थोड़ा सा. को क्योर कराना है हमें 60 सेकेंड्स के लिए. आफ्टर क्योरिंग यहाँ पे मैंने जो है ये इंडिया गेट का एक स्टिकर है, 3D स्टिकर है, तो इसको मैंने जो है बिल्डर जेल में डिप करा के, एंड आफ्टर मैंने इसे यहाँ पे फिक्स किया है, एकदम सेंटर मैंने इसे फिक्स किया है. एंड आफ्टर मैंने एक एयरप्लेन वाला जो है मैंने एक स्टिकर लिया है, 3D वाला है, गोल्ड में, तो इसलिए मैं उसको भी डिप कराऊंगी बिल्डर जेल में. एंड आफ्टर मैं इसको प्रेस करके क्योर कराऊंगी फॉर 60 सेकेंड्स ओनली. एंड द नेक्स्ट आर्ट जो है मेरा वो कुछ डॉटिंग टूल से मैं कर रही हूँ. यहाँ पे मैं फ्लावर की जो है एक एप्लीकेशन आपको करके दिखाऊंगी किस तरीके से एक फ्लावर बनना है. तो मैं तीन कलर लूँगी, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू कलर जो लिया है मैंने फॉर सेंटर पार्ट ऑफ फ्लावर. तो इसीलिए मैं कुछ इस तरीके से ऐसे डॉटिंग टूल से यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं फ्लावर की एप्लीकेशन करूँगी. डॉटिंग टूल से ब्लू कलर रख के, और उसके बाद मैंने इसे क्योर कराया फॉर 30 सेकेंड्स ओनली. 30 सेकेंड्स क्योर कराने के बाद जो है ऑरेंज कलर लेकर के मैंने यहाँ पे एक फ्लावर का लुक दिया है. जब भी आपको फ्लावर बनाना होगा तो वो सिर्फ 5 डॉटिंग टूल ऐसे रखोगे आप कलर, तो बन जाएगा आपका फ्लावर इजीली. थोड़ा सा उसका पॉइंट मैंने आगे से जो है निकाल दिया है, ताकि वो अच्छे से कवर अप हो जाए और दिखे कुछ इस तरीके से. ऐसे ही ग्रीन भी होगा. ऐसी अनदर मेरे को काफ़ी सारे जितने भी मैंने डॉट्स रखे हैं वहाँ पे जो है मैं फ्लावर का ही लुक दूंगी, तो कुछ इस तरीके से बनेगा. और जो नेक्स्ट आर्ट रहेगा मेरा वो मैं फर्स्ट फिंगर में कुछ इस तरीके से ये यूनिक आर्ट दूंगी, ताकि वो जो है एक हमारा तिरंगे का लुक थोड़ा सा अच्छे और इवन लुक में दिखे. तो मैं कुछ स्टाइलिश ही लुक दे रही हूँ उसमें. तो आपका राइट साइड टू लेफ्ट साइड जो है आर्ट जाएगा, ब्रश आर्ट से मैंने किया है कुछ इस तरीके से. एंड बीच वाले पोर्शन में मैंने वाइट देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि बेसिक में भी बेस हमने वाइट ही दे रखा है. एंड द नेक्स्ट हमारा जो है ग्रीन कलर यहाँ पे एप्लीकेशन करके उसे क्योर कराएंगे.
हैंड टू हैंड क्योरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्लावर में भी हमने क्योर कराया उसे 60 सेकेंड्स, और अभी मैंने टॉप कोट किसी में भी नहीं लगाया. मैं आपको टॉप कोट जो है टेम्पल टॉप कोट की जो लुक है और जो उसकी फिनिशिंग है वो कुछ लास्ट में मैं इसलिए दिखाऊंगी क्योंकि उसमें यूनिकनेस है और काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस भी है और टॉप कोट बहुत ही अच्छा है वो वाला. इसीलिए तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर लगा करके जो है मैंने क्योर करा लिया उसको 30 सेकेंड्स. एंड यहाँ पे ब्लॉसम जेल लगा रही हूँ मैं. ब्लॉसम जेल कुछ फैलता है और वो मतलब श्रिंक नहीं होता, वो फैलता ही है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लॉसम जेल लगाने के बाद जो है वाइट कलर का जेल पेंट रखा है सेंटर में, और वो थोड़ा सा फैल रहा था. एंड उसके बाद जो है मैंने ब्लू कलर का यूज़ किया है. ब्लू कलर के यूज़ में क्या होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो मैं अशोक चक्र का जो है एक लुक इसमें दूंगी. तो मैंने ब्लॉसम जेल का यूज़ भी कुछ इस तरीके से किया है. इफ़ यू वांट ब्लॉसम जेल और दीज जेल पेंट, सो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट आर्ट जो होगी वो हमारी कुछ इस तरीके से होगी. तो मैंने बिना किसी टूल के, बिना किसी लाइनर ब्रश के, किसी भी बिना ब्रश के जो है मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. सिर्फ जेल पेंट का जो ब्रश है सिर्फ उसकी ही थिकनेस और उसी का जो है आर्ट दिखाया है मैंने. ऑरेंज कलर का यहाँ पे मैंने बेस दिया है ब्रश से, और जैसे मैंने ये बेस दिया है यहाँ पे, और बेस देने के बाद जो है मैंने इसे क्योर कराया है यहाँ पे फॉर 30 सेकेंड्स ओनली. 30 सेकेंड्स क्योर कराने के बाद जो है यहाँ पे मैंने वाइट कलर का जेल पेंट लिया है और उसको भी मैंने पार्ट डिवाइडेड करके यहाँ पे एप्लीकेशन कर दी है. तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारे आपको आर्ट दिखाए हैं किस किस तरीके से आप कर सकते हो. तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें और नॉर्मल ही है, और नॉर्मल में ही आप किस तरीके से आर्ट कर सकते हो वो यहाँ पे मैंने दिखाया. तो वाइट थोड़ा सा बेसिक जो है लाइट लग रहा है मेरे को, तो इसलिए मैं थोड़ा सा थिकनेस दूंगी इसको, नॉट ज़्यादा थिक क्योंकि चिप ऑफ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर लगता रहता है तो वहाँ पे चिप ऑफ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो कुछ इस तरीके से आपको बिल्डअप करना है. सिक्योर करेंगे हम 30 सेकेंड्स के लिए. एंड आफ्टर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रीन कलर. ग्रीन कलर जो आपके फ्री एज एरिया में भी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको भी हम क्योर करा लेंगे 30 सेकेंड्स. आफ्टर क्योरिंग ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और बीच में जो सेंटर पार्ट में मैं डॉटिंग टूल से जो है यहाँ पे एक डॉट रख रही हूँ. तो कुछ इस तरीके से ये दिखने वाला है आर्ट हमारा. इस वाले पार्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ हमने डॉटिंग टूल ही यूज़ किया है. लास्ट जो है हम यहाँ पे केसरिया कलर यानी कि ऑरेंज कलर से जो है हम एक फ्रेंच बनाएंगे. वाइट कलर का बेस है तो उस पर ऑरेंज कलर का जो फ्रेंच है बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. एंड लास्ट जो है यहाँ पे मैं जय हिंद लिख रही हूँ. तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा किस तरीके से आपको लग रहा है, क्या लुक लग रहा है आपको, ये जय हिंद अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, और प्लीज़ लाइक करिएगा. सो दिस इज़ आवर वेरी फाइनल लुक. तो कुछ इस तरीके से जो है हमें यूज़ करना है हमारा. छोटे छोटे एक पार्ट से भी हम इतना यूनिक बना सकते हैं हमारे आर्ट को. तो नॉट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट येस हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला. तो आप खुद भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से लग रहा है. और लास्ट हमारा जो है टॉप कोट से रहेगा. हमारा जो है हमेशा टॉप कोट के साथ ही रहता है. दिस इज़ आवर वेरी फाइनल लुक. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. Like, subscribe and comment. Thank you so much. Bye bye.